Hello friends, this is a video on topic permutation and combination, and this is exercise 7.3. okay, and as I already told you, that is 8409252351. This is my WhatsApp number. You can send me any questions of mathematics and I will send you to the send you the solution of this question. Okay, and one more thing, that is if you search this number on YouTube, then you get my YouTube channel. Okay, now start with this question. This is a question number 1. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Okay, then to finally kya hum log ke paas 1 se 9 tak 9 digits hai, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. That is, we have 9 digits, and out of 9 we have to select 3 numbers, 3 digit number. And one more thing is that ki repeat nahi hona chahiye, no repeat. Theek hai, that is, we can say ki 3 digit numbers have to be formed using the digits 1 to 9. Theek hai, so we can say that ki therefore there will be 3 digits number, as they are 9 different ways. Okay, 9 different digits taken and 3 at a time. That is simple. Agar simple language mein bola jaye to ye hai ki 9 mein se aapko 3 digit number select karna hai, and we know that from the permutation definition. तो मैंने पहले भी बताया था, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि परमुटेशन का डेफिनेशन क्या है, कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर्स एंड r इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट r क्या है 0 से n के बीच में है, देन n p r इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल. ओके, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि हम लोग के पास 9 डिजिट्स है, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है. तो 9 p 3, ये परमुटेशन का डेफिनेशन से आया, एंड इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक कैसे हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल. ठीक है, तो दिस इज अ आंसर, एंड इसको सॉल्व करने का तरीका पता है. तो दिस इज फैक्टोरियल ऑफ 9 डिवाइड बाय 6 का फैक्टोरियल, और वी कैन से दैट 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 6, और ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 56 इंटू 9. तो कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 504 आएगा. ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मैनी 4-डिजिट नंबर्स देयर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड. ओके, यहाँ पे ये मैटर करता है कि रिपीट नहीं करना चाहिए. तो वी हैव 4 बॉक्सेस, क्योंकि 4 नंबर, 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं. ठीक है ना, 4 बॉक्सेस हैं और हम लोग के पास डिजिट्स कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो हम लोग के पास टोटल 10 डिजिट है, जिसमें से क्या है 4 डिजिट नंबर हम लोग को सेलेक्ट करना है. तो आप लोग को पता होगा कि अगर फर्स्ट में 0 आ जाता है, उसके बाद कोई डिजिट आता है, तो वो 3 डिजिट का नंबर कहलाता है. ठीक है ना, तो हम लोग के पास क्या है, 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट बॉक्स में. दैट इज, वी कैन से वी हैव ओनली ऑप्शंस 1 टू 9, मतलब 1 से लेके 9 तक ऑप्शन है फर्स्ट बॉक्स को भरने का. ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख दिया मैंने, 9 ऑप्शन है फर्स्ट बॉक्स को भरने का. एंड इस 3 को कैसे भर सकते हैं, रेस्ट जो बच जाएगा रेस्ट, उसमें से 3 बॉक्स भरना है. तो अगर यहाँ पे एक डिजिट आ गया हम लोग का 1 से 9 के बीच में, तो रेस्ट टर्म बचेगा कितना, कोई भी इसमें से एक डिजिट गायब हो गया, 10 में से एक डिजिट ले लिया मैंने, अब उसमें से क्या बचा, टोटल 9 डिजिट बच गया. इस 9 डिजिट में ही ये तीनों फिल होगा. ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 9 में से 3 डिजिट हम लोग को लेना है, और वी कैन से नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू व्हाट, 9p3. ये किसका है, ये 3 बॉक्स भरने का. ठीक है ना, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9p3 का विच इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 6, और इसको अभी सॉल्व किया था मैंने, जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे कितना आया था, 504. तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 504. दैट इज, ये 3 बॉक्स भरने का हम लोग के पास कितना नंबर ऑफ वेज है, तरीका है 504, और यहाँ पे कितना था इस एक को भरने का, 9. अगर कंबाइनली देखा जाए तो 9 एंड 504. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर लिख दे रहा हूँ. ओके, फाइनली 9 इंटू 504, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ. जस्ट 9 into 504, दैट इज 4536. दिस इज आवर आंसर.
ओके तो आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखिए, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है ना। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। कितना डिजिट का हम लोग का होना चाहिए? 3 डिजिट का। तो 3 बॉक्स बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि कहाँ है इवन नंबर, इवन नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट इवन होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? आइदर 2 या फिर 4। मतलब इसके पास कितना ऑप्शन है यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए? एंड 6 भी तो है ना। तो यूनिट डिजिट को फिल करने के लिए हम लोग के पास 3 तरीका है, 3 नंबर ऑफ वेज, दैट इज 2, 4, 6, ठीक है। इस तीनों में से कोई एक आ सकता है इस बॉक्स में। तो बचा कितना बॉक्स हम लोग के पास? 2 बॉक्स। और डिजिट कितना बचेगा हम लोग के पास? अगर इसमें एक फिल हो जाएगा तो टोटल नंबर 5 बच जाएगा। तो रेस्ट ऑफ 5 में से 2 डिजिट फिल करना है, दैट इज वी कैन से 5P2, ठीक है। ये किसका वेज है? नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज 2 बॉक्सेस, ओके। एंड दिस इज व्हाट? फैक्टोरियल ऑफ 5/5-3 का फैक्टोरियल, और वी कैन से 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×4×3×2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल एंड ये हो गया 60। सॉरी मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। 5 माइनस ये 2 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा जो ये 2 बॉक्स भरने के लिए, ठीक है। तो अगर कंबाइनली देखा जाए तो दिस इंटू दिस, ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया हम लोग के पास? टोटल नंबर इक्वल्स टू 20×3, दैट इज 60 नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस बॉक्सेस, ओके, विच आर इवन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, दिस मैटर्स एंड हाउ मैनी दीज विल बी इवन। हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से क्या है? एक बोला कि 4 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा, एंड सेकेंड उस टोटल में से इवन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से, 4 डिजिट है हम लोग के पास, तो बॉक्सेस बनाते हैं 4, 1, 2, 3 एंड 4, और टोटल नंबर कितना हम लोग के पास? 5 है। 0 तो नहीं है ना, दैट इज हम लोग को क्या करना है? 5 नंबर में से 4 को ही सेलेक्ट करना है। तो ये कौन सा केस आ जाएगा? परमुटेशन का। दैट इज टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 में से 4 को लेना है, ठीक है। दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 5 बाई हाउ मच? फैक्टोरियल ऑफ 5/5-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, विच बिकम्स हाउ मच? फैक्टोरियल ऑफ 5 डिवाइड बाय 5-4, दैट इज 1 का फैक्टोरियल, और वी कैन से फैक्टोरियल ऑफ 5, और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5×4×3×2×1, 20 + 60 = 120। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 120 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि इवन नंबर कितना होगा? तो इवन नंबर के लिए आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि यूनिट डिजिट में इवन होना चाहिए, ठीक है, यूनिट डिजिट में इवन होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 में इवन कितना है हम लोग के पास? 2 एंड 4। तो ये बॉक्स यूनिट डिजिट बॉक्स फिल करने के लिए कितना वेज है? 2 तरीका है, आइदर 2 या फिर 4। और अगर डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो ये 3 बॉक्स फिल करने का कितना तरीका हो जाएगा? 4 में से 3 लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिल द फर्स्ट 3 बॉक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 में से 3 को भरना हम लोगों को, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइड बाय हाउ मच? 4-1, 3 का फैक्टोरियल, और वी कैन से फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल, और वी कैन से 4×3×2×1, दैट इज 12×24। तो ये 24 कितना आया? फर्स्ट 3 बॉक्स के लिए। और लास्ट बॉक्स भरने के लिए कितना तरीका था? 2 वेज था। तो फाइनली टोटल इवन नंबर बोल सकते हैं हम लोग कितना हो जाएगा? दिस एंड दिस, मतलब 24 एंड 2, और वी कैन से 48 नंबर होगा जो हम लोग का इवन हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मैनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग दैट
वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन. ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक आदमी दोनों नहीं हो सकता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन. मतलब रिपीट नहीं होना है. दो, एक चेयरमैन हो गया और एक चेयर वाइस चेयरमैन, VC एंड C, ठीक है. और हम लोग के पास टोटल ऑप्शंस कितना है? 8 है. अब 8 में से दो को सेलेक्ट करना है, सिंपल. तो हो गया काम खत्म. एंड नो रिपीटेशन इज देयर, दैट इज वी कैन से टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 8 में से दो को सेलेक्ट करना, तो 8P2 हो जाएगा. P फॉर परम्यूटेशन, एंड वी नो दैट द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और वी कैन से 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल, ठीक है. तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा. एंड फाइनली कितना बचेगा? 8 इंटू 7 दैट इज 56, विच इज आंसर. ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि फाइंड n इफ दिस इज टू दिस इक्वल्स टू 1:9, ठीक है. तो NPR का फॉर्मूला पता होगा ना, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ. NPR का फॉर्मूला यहीं पे रखा हुआ मैंने पेज, ये है NPR का फॉर्मूला. अगर NPR है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ओके. और इस टू कितना? NP4 दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल. ये इस टू का मतलब पता है ना, डिवाइड होता है, तो मैंने डिवाइड ही लिख दिया, ठीक है. ये दोनों डिवाइड में है. एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/9. तो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा चेक करते हैं. ये हो गया n माइनस वन, ये एक एक डिग्रीज होते जाता है ना, तो n माइनस 2 लिख दिया, n माइनस 3 लिख दिया, n माइनस 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, एंड डिवाइड बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल. ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, मैं दूसरा पेज में बना रहा हूँ, ठीक है. फिर से यहाँ तक नोट करके रखिए, मैं दूसरा पेज में बना रहा हूँ. देखिए फिर से लिखा मैंने, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल n बाई n माइनस 4 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 1/9, ओके. अब चलते हैं आगे. इसको अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ठीक है. तो ये n माइनस 4 ऊपर चल गया और ये माइनस 1 माइनस 3 मिलके माइनस 4 हो गया, ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. मैंने उसमें कैंसिल नहीं किया था, कोई बात नहीं. एंड विच इक्वल्स टू 1/9, ओके. अब चलते हैं आगे. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ये तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ओके. एंड डिवाइड बाई n है. इसको अगर ब्रेक करना चाहे तो क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एक एक डिक्रीज होते जाएगा ना, विच इज इक्वल्स टू 1/9. तो ये n माइनस 1 कैंसिल हो गया. और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इक्वल्स टू कितना आएगा? 9, ठीक है. तो दिस इज आवर आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ओके. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड r इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस. एंड ये दो क्वेश्चन है, तो मैं दो क्वेश्चन ही बना रहा हूँ. NPR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ 5/5 माइनस r का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 2 × 6PR-1, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 6 डिवाइड बाई 6-R-1 का फैक्टोरियल, ओके. थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मे बी शायद दिख रहा होगा, ठीक है. तो फाइनली कितना हो जाएगा देखते हैं. ये हो गया 5 का फैक्टोरियल और ये हो गया 5-R का फैक्टोरियल, ओके. विच इज इक्वल्स टू 2 × 6 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5-R का फैक्टोरियल आएगा ना. नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा? 6 में से 1 7 हो जाएगा, 7-R हो जाएगा, ठीक है. 7-R का फैक्टोरियल हो जाएगा. चलते हैं आगे. ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5 डिवाइड बाई 5-R का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 2 × 6 दैट इज 12 हो गया, डिवाइड बाई, इसमें ये एक एक कम होते जाएगा, दैट इज 7-R हो जाएगा फर्स्ट में, इंटू 6-R हो जाएगा, फिर 5-R हो जाएगा, 4-R करते करते, तो इसको फैक्टोरियल यहीं पर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है. क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे पे, ओके. दिस एंड दिस कैंसिल टू इच अदर. ना फाइनली बचा कितना हम लोग के पास? फैक्टोरियल ऑफ 5, दैट इज हाउ मच? 5, 4, 3, 2, 1. तो लिखता है हम लोग यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ओके. डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 12/7-R × 6-R, ओके. थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है. ये 4 + 12, 12 कैंसिल, ओके. तो फाइनली हुआ कितना? सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया. यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 6 था, ठीक है ना. ये फैक्टोरियल 6 है, तो ये 2 तो ऑलरेडी था हम लोग के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा. यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया.
टू था एंड सिक्स फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सिक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ फाइव, ये फाइव और फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ट्वेल्व बचेगा रेस्ट। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर विच इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मिस हुआ था। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्टी टू माइनस सेवन आर माइनस सिक्स आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेल्व। दिस बिकम्स हाउ मच, ये अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, चेक करके बता देखते हैं कितना होता है, आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आई आर, और इस 12 को इधर माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस टेन आर माइनस थ्री आर प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आर कॉमन लिए आर माइनस टेन हो गया, माइनस ऑफ थ्री कॉमन लिए आर माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। और वी कैन से अगर आर माइनस टेन यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो इससे कितना आ जाएगा फाइनली हम लोगों का, आर इक्वल्स टू टेन एंड आर इक्वल्स टू थ्री। हम लोग के पास आर का दो वैल्यू आया, बट कंडीशन क्या था क्वेश्चन में, फाइव पी आर, एंड वी नो दैट कि आर का वैल्यू एन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइव से ज़्यादा नहीं हो सकता मतलब टेन कांट बी पॉसिबल, ये फाइव से ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू थ्री, और यहाँ पे लिख देंगे कि जीरो टू आर कहाँ बिलोंग करेगा, फाइव के बीच में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से। और अगर नहीं हो पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके फाइन, थैंक यू।